गुजरात की ये ऐतिहासिक नगरी तापी नदी की ये धरती, डायमंड और वस्त्र की धरती, आज ये महाकुंभ जिसका उद्घाटन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, आज उसका समापन भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी द्वारा किया जा रहा है। मैं सभी लोगों से कहूंगा कि एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इस राज्य के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत सिंह जी, इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, केंद्र सरकार में मंत्री यशोदा बहन, इस राज्य के मंत्री हर्ष जी, जीतू भाई, अन्य मंत्रीगण और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, लोकसभा में हमारे साथी सीआर पाटिल जी, मैं मंच में विराजे सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 36वें इस राष्ट्रीय खेल के अंदर देश के अलग अलग राज्यों के आए मेरे खिलाड़ी साथियों, आज आप सबको इस समापन अवसर पर आपने देखा होगा कि राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जो वाइब्रेंट गुजरात है, जिसने देश के आर्थिक सामाजिक बदलाव में एक महती भूमिका निभाई है, उस गुजरात की भूमि पर आपको भी मौका मिला होगा। मैं कह सकता हूं कि देश और नहीं पूरे विश्व का एक बेहतरीन स्टेडियम जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से है, जिसके उद्घाटन के अंदर जिस गर्मजोशी के साथ आपने उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरीके से खेल के प्रति खिलाड़ियों से व्यक्तिगत लगाव है, जिसके कारण आज भारत के खिलाड़ी विश्व के अंदर नेतृत्व कर रहे हैं। मैं यहां पर आए 36 राज्य के सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। खिलाड़ी साथियों, खेल के मैदान में खिलाड़ियों को नई ऊर्जा, नई शक्ति मिलती है, और यही ऊर्जा, यही शक्ति उसके जीवन में नए कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, और इसीलिए कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्प्रिट। ये समाज के हर जीवन के अंदर एक उदाहरण है कि चाहे खेल के मैदान में हो, चाहे शिक्षा के अंदर हो, व्यापार के अंदर हो, हर खेल के मैदान में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन खिलाड़ी कभी हारता नहीं, हारने के बाद नई तैयारी के साथ बड़े आत्मविश्वास के साथ काम कर रहा है। आज समापन के अवसर पर भी आप सभी प्रतिभागियों में से कुछ खिलाड़ियों को मेडल जीता होगा और कुछ प्रतिस्पर्धा आप पिछड़ गए होंगे, लेकिन आपका आत्मविश्वास, आपका जनून, आपकी कार्य करने की क्षमता, उसके कारण आने वाले समय में इस आत्मविश्वास के साथ कि अगली बार गेम्स में मैं ही मेडल जीतूंगा, इस लक्ष्य के साथ आपको जाने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेल को बढ़ाने के लिए और खिलाड़ियों को किस तरीके से प्रोत्साहन देने के लिए पूरे देश में एक वातावरण बनाया है, खेलो इंडिया हो, फिटनेस इंडिया हो, और कई माध्यम से दूर दराज के गांवों के अंदर भी हमारे परंपरागत खेलों को बढ़ाकर आज देश और दुनिया के अंदर हमारे खिलाड़ियों ने परंपरागत खेलों को भी और नए आधुनिक खेलों के अंदर भी अपनी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया है। मुझे आशा है कि भारत का ये नौजवान खिलाड़ी जो यहाँ पर नेशनल गेम्स में आया है, जिन्होंने कई रिकॉर्ड
पुराने नेशनल गेम्स के तोड़े हैं, आने वाले समय में विश्व के अंदर भारत के तिरंगों को सबसे ऊंचा उठाएगा और आने वाले समय के अंदर जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, दुनिया के अंदर हर क्षेत्र के अंदर ये बैठा खिलाड़ी मेडल लेकर भारत के गौरव सम्मान को बढ़ाएगा। मैं पुनः आप सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े नए लक्ष्य के साथ आपको चलना है और जो कुछ भी हमें यहाँ पराजय मिली है, अगली बार जीत के लक्ष्य को लेकर चलना है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब